राजधानी भोपाल के रोशनपुरा पर पिछले दो दिन से नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए चयनित ओबीसी वर्ग के सब इंजीनियर्स आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका आरोप था कि कम अंक लाने वालों को नियुक्तियां दे दी गई, जबकि ज्यादा अंक लेने वालों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें जूस पिलाकर अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही अपनी तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया। देखिए रिपोर्ट। एग्जाम होता है और परीक्षा के बाद विभिन्न विभागों की और करीब 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। विशेष रूप से जो सब इंजीनियर हैं अन्य अन्य विभाग के हैं और ये जानकारी मिली है कि जो कम नंबर वाले हैं उनको बुलाकर नियुक्ति पत्र दे दिया गया और जो मेरिट होल्डर हैं या जो ज़्यादा अंक वाले बच्चे जिनको एक्चुअल नियुक्ति मिलना चाहिए थी वो नियुक्ति हमारे नौजवानों को विद्यार्थियों को नहीं मिली। तो मैंने जैसा पहले भी हम लोग चर्चा इस बात की होती रही कि मध्य प्रदेश अब घोटालों का प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर व्यापम पटवारी और तमाम विभागों में बड़ा बड़ा महाघोटाले परीक्षाओं में यहाँ पर होता है। तो ये डिमांड हमारे नौजवानों की है जो पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं कि जो 250 ऐसे लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, परीक्षा में चयनित हो गए लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला, ये एक बड़ा डिफॉल्ट सरकार का है। ये मुझे जानकारी लोगों ने दी है, मैं अपने स्तर पर इसकी जांच कराऊंगा और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि जो नियुक्ति पत्र होल्ड कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। जिन्होंने सीएम कार्यालय में संपर्क किया उनके ओएसडी से मिले, ये व्यापम में गए, इन्होंने विभाग JDA में जाकर चर्चा की लेकिन कोई भी इनको सही जानकारी नहीं दे रहा, कोई कारण भी नहीं बता रहा कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है। इसकी हम डिटेलिंग करेंगे और कोशिश हमारी होगी कि दोबारा इन लोगों को